अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ माविश और आप देख रहे हैं माविश टीचर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मैं आपसे बीएड के लिए लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बीएड के लिए यानी कोर्स कोड 8608 के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे इस चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट का लेसन प्लान हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ वो है सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड। जी फ्रेंड्स, मैं आपसे फिजिक्स के लेसन प्लान शेयर करूंगी, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ जो पहला लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ वो क्लास 9th की फिजिक्स का है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी। तो इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिवेलप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ साइंस, एम्फसाइज रोल ऑफ फिजिक्स इन लाइफ, develop scientific aptitude. Specific objectives: to enable students to define kinetic energy and its units, differentiate between kinetic and other types of energy, derive formula of kinetic energy, teaching methodology, lecture method, audiovisual aids, whiteboard, markers, डस्टर, टेक्स्ट बुक, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। पहला सवाल, व्हाट डू यू नो अबाउट एनर्जी? तो यही इसका जवाब आप व्हाइट बोर्ड राइटिंग में लिखेंगे। इट हेल्प्स टू डू वर्क। व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी? जाउल, इसका जवाब है जाउल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक अनाउंसमेंट। Our today's topic is kinetic energy of a moving body. यही topic आप board writing पे भी mention कर देंगे। Presentation. Tell students that kinetic energy of a moving body is defined as energy produced by a body due to its motion is called kinetic energy. Now we will derive its formula. Formula. Consider a body of mass m with velocity v. Body stops after moving through some distance s due to opposing force f. Thus, kinetic energy Ke of body is equals to work done by it due to its motion. अब इसका formula derive करते हैं। Ke is equals to fs. यही आपने whiteboard पे भी लिख देना है। Where velocity, where f of v of f is equals to 0, v of I is equals to v, initial velocity is equals to v, as f is equals to ma, then a is equals to f over m. Since motion is opposed, hence it is negative. Using third equation of motion, 2as is equals to v of f square minus v of I square. यहाँ पर a की value put करेंगे f of m, 2 minus f of m, f by m into s is equals to 0 square minus v square. ये 0 और v हमने f v of f और v of I की values put की हैं। आप screenshot ले सकते हैं। fs is equals to 1 by 2 mv square. तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 mv स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप वाइट बोर्ड पर भी लिख देंगे। इसके बाद इवैल्यूएशन। व्हिच एनर्जी इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी? तो इसका आंसर है एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन। What is formula of kinetic energy? इसका आंसर है kinetic energy is equals to 1 over 2 mv square. What is third equation of motion? इसके बाद होमवर्क असाइन किया जाएगा। Attempt these questions on notebook. Define and derive kinetic energy of a moving body. A stone of mass 500 grams strikes ground with velocity 10.
How much is kinetic energy of stone at the time it strikes the ground? इसके बाद ट्यूटर रिमार्क्स का पोर्शन। इसके बाद फिजिक्स का दूसरा लेसन प्लान है, क्लास 9th का टॉपिक सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अक्वायर नॉलेज ऑफ फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, एम्फसाइज ऑन रोल ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड सेंट्रीपेटल फोर्स, डिराइव सेंट्रीपेटल फॉर्मूला, कैलकुलेट सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ एनी बॉडी यूजिंग फॉर्मूला, टीचिंग मेथोडोलॉजी, लेक्चर प्लस डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, टेक्स्ट बुक, स्टोन, स्ट्रिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। पहला सवाल, व्हाट इज मोशन? इसका जवाब आप व्हाइट बोर्ड राइटिंग पे लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ समथिंग। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तीसरा सवाल, गिव एग्जांपल ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन। इसका जवाब है कार मूविंग इन राउंड अबाउट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक अनाउंसमेंट। आवर टुडेज टॉपिक इज सेंट्रिपिटल फोर्स। टॉपिक को आप व्हाइट बोर्ड पर भी मेंशन करेंगे। प्रेजेंटेशन। स्टार्ट लेक्चर बाय फर्स्ट टेलिंग दैट व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। इट इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ। टेक अ स्मॉल स्टोन, tie it at one end of a string and move it in circular manner. This is the activity. यहाँ पर आप activity की heading डालेंगे. Tell students that every instance centripetal force acting on string towards center keeps stone moving in circular manner. If string gets broken, stone will move in a straight path. Derivation of centripetal force. Let a body of mass m moves with uniform speed v in a circular radius r. Acceleration produced by centripetal force fc. Centripetal acceleration ac is equals to v square over r. यही formula आप whiteboard पर भी लिख देंगे और साथ आप whiteboard पर ये छोटी सी diagram draw कर देंगे जिसमें आप एक circle draw करेंगे और F of C लिख देंगे सेंटर के अंदर, जबकि यहाँ पर आप एक एरो डाल देंगे जो शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉइंट जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन FC is given by FC is equals to MAC. FC is equals to MV square over R. यही formulas आप board पर भी लिखते जाएंगे। आप screenshot ले सकते हैं। Daily life examples. Now give some examples from daily life. Earth revolving around the sun. Washing machine dryer. Car moving in round about. बैंकिंग ऑफ द रोड। ये तमाम एग्जाम्पल हैं राउंड मूवमेंट की जहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। इवेल्युएशन। एस्क स्टूडेंट्स व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसका आंसर है फोर्स विच कीप्स ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। गिव एनी एग्जाम्पल वेयर सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट्स। इसका आंसर है ड्रायर। What is formula of centripetal force? तो इसका आंसर है FC is equals to MV square over R. Homework. Practice formula derivation of centripetal force in rough notebook. Solve numerical number 1, 2, 3 and 5 on page number 35 of your textbook. इसके बाद tutor's remarks. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरा लेसन प्लान है फिजिक्स का, क्लास 9th का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, इनेबल स्टूडेंट्स टू अक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, एम्फसाइज रोल ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, डिवेलप हैबिट ऑफ साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, Differentiate between basic and derived quantities. Understand 7 units of system international along with their symbols. Teaching methodology, lecture method, audiovisual aids, whiteboard, markers, duster, textbook, ruler. Previous knowledge testing. Pehla sawal, how do you measure sugar or milk? इसका जवाब है किलोग्राम्स। When you buy edible items, how do you ask shopkeeper for having any amount of that item? तो इसका जवाब है we use different quantities. Topic announcement. Our today's topic is physical quantities. यही टॉपिक आप whiteboard पर भी लिख देंगे. Presentation. All measurable quantities are called physical quantities. Physical quantity possesses two characteristics, magnitude and unit. यही characteristics आप board पर भी लिख देंगे. Types of physical quantities, base quantities. These are quantities on basis of which other quantities are expressed. आप यही types, first type base quantity board पर लिखेंगे और आगे इसकी types भी board पर लिखेंगे. तो देख लेते हैं. First है हमारे पास length. ये मेजर की जाती है मीटर्स में और यूनिट है एम. सेकंड मास, ये मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में और रिप्रेजेंट होता है के जी के साथ. थर्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये मेजर होता है एम्पियर्स में और रिप्रेजेंट होता है ए के साथ. फिफ्थ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मेजरिंग यूनिट है कैंडेला और रिप्रेजेंट किया जाता है सी डी के साथ. नेक्स्ट टेम्परेचर, ये इसका मेजरिंग यूनिट है केल्विन और रिप्रेजेंट किया जाता है के साथ. नेक्स्ट है टाइम, इसका मेजरिंग यूनिट है सेकंड और रिप्रेजेंट होता है एस के साथ. सेवंथ टाइप है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर किया जाता है मोल्स में और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम ओ एल के साथ. इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप की क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, यही आप बोर्ड पर भी मेंशन कर देंगे. दीज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपने तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज की टाइप्स को व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर देना है इस तरीके से. फर्स्ट प्रेशर, इसको मेजर करते हैं पास्कल में और रिप्रेजेंट करते हैं पी ए या एन एम के साथ. सेकंड एक्सेलरेशन, इसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ और रिप्रेजेंट करते हैं एम एस माइनस टू की पार. थर्ड वॉल्यूम, इसको मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर्स में और रिप्रेजेंट करते हैं एम क्यूब के साथ. फोर्थ फोर्स, इसको मेजर करते हैं न्यूटन में और रिप्रेजेंट करते हैं एन या के जी एम एस माइनस टू के साथ. स्पीड, इसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड और रिप्रेजेंट करते हैं एम एस माइनस वन के साथ. सिक्स्थ डेंसिटी, इसको मेजर करते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के साथ और रिप्रेजेंट करते हैं के जी एम माइनस थ्री, पावर में आएगा माइनस थ्री. लास्ट वन कूलम एज चार्ज्ड, इसके बाद इवेल्युएशन की जाएगी. व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, तो इसका आंसर है यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. हाउ मेनी डिराइव्ड क्वांटिटीज आर देयर,
तो इसका जवाब है 7। होमवर्क, आइडेंटिफाई बेस क्वांटिटीज फ्रॉम फॉलोइंग: स्पीड, एरिया, फोर्स, डिस्टेंस। फाइंड आउट बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग: स्पीड, वर्क, वॉल्यूम। इसके बाद ट्यूटर्स रिमार्क्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ फिजिक्स के 3 लेसन प्लान शेयर किए। अगर आप बाकी किसी सब्जेक्ट का लेसन प्लान हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल माविश टीचर्स के ऊपर वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको वीडियो के एंड पर एक स्क्रीन नज़र आएगी, आप वहां से भी मेरी वीडियोस हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड कलर का बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।